हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अदर मोडल्स. इन लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट मे एंड कैन, कि आप मे और कैन को कैसे यूज़ कर सकते हो. आज हम बात करेंगे शुड के बारे में, मस्ट के बारे में एंड कुड के बारे में. तो ये टेबल आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिया, बिकॉज इसको आप लर्न करोगे तभी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड that what is there and where we have to use the particular modal. So firstly we have could. ठीक है, could हम सबको पता है कि could जो है वो past tense of can है. ठीक है, जब हम can हैं तो can को present में use करते हैं, could को past में use करते हैं. could को हम use करते हैं polite request में, जब हमें बहुत ज़्यादा प्यार से request करनी हो किसी को. ability in past ये हमें पता है. और तीसरा है नरेशन, किसी चीज़ को नरेट करना. नरेट करना मतलब रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्जन, जो हम डायरेक्ट स्पीच को आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं. कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप मेरे लिए विंडो खोल सकते हो प्लीज़. तो इसमें हमने बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट की है, बहुत ही प्यार से बोला है, इसलिए हमने यहाँ पे कुड का यूज़ किया है. कुड यू फेच मी दैट बुक, क्या आप कृपया करके मुझे वो बुक दे सकते हैं. तो यहाँ पे भी हमने कुड का यूज़ करा है. फिर हमारे पास है व्हेन, नेक्स्ट इज़ एबिलिटी इन पास्ट. अब आप यहाँ पे बोलोगे कि दिस इज़ इन प्रेजेंट, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि जब भी आप बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होगी हमें, तो हम हमेशा कैन का यूज़, कुड का यूज़ करेंगे, बिकॉज कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी, एज़ यू मस्ट है मस्ट रिमेम्बर. सो एबिलिटी इन पास्ट में अगर हमने लगाना है तो हम कुड यूज़ करेंगे. जैसे कि यहाँ पे आपका है कैन यू प्लीज़, सॉरी, व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन अ माइल, जब मैं छोटा था तो मैं 1 माइल तक आराम से भाग सकता था. यस्टरडे आई कुडंट फाइंड माय वॉलेट, कल मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा था. ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, उसने बोला कि वह गाना गा सकता था, तब पहले गाता था, मतलब गा सकता था. तो वो उसकी नरेशन है, उसकी पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, और प्लस उसने नरेट करा है, जो कि हमने इनडायरेक्ट में की, हमने ये इनडायरेक्ट स्पीच है आपकी, ही सेड दैट, उसने बोला. ठीक है, ये भी आपका इनडायरेक्ट है. राजीव सेड दैट ही कुड प्ले अ गिटार, राजीव ने बोला कि वो गिटार बजा सकता था. सो दिस इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ कुड. Now we shall move on to should and must. As you can see in should, it is used when we give advice, सलाह देते हैं जब हम किसी को, तो हम should use करते हैं. You should go home now, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, ये एक normal सलाह दे रहे हैं हम. ठीक है, advice can be taken or can not be taken, it is the wish of the person. You should not talk while eating, कि तुम्हें बोल खाते समय बात नहीं करनी चाहिए. Should I leave now? क्या मुझे अब जाना चाहिए? This is also advice, मतलब interrogative में use हो रहा है यहाँ पे. Next is must. Must बहुत ही easy है समझना, because must हम जब use करते हैं तब हम use करते हैं compulsion, strong, obligation, duty की बात आ जाती है जहाँ पे. ठीक है, और probability भी कि किसी चीज़ के कितने chances हैं. ठीक है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, जैसे कि ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक. जब हम मस्ट लगा रहे हैं दैट मीन्स उसने कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक करी है, तभी हम मस्ट यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज हम शुड भी यूज़ कर सकते हैं. हिज ब्रदर इज़ नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिम, उसका भाई ठीक नहीं है तो उसे उसका ध्यान रखना चाहिए. ही मस्ट बी देयर, उसे वहाँ होना चाहिए अब तक. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ हुआ है. योर फ़ोन इज़ स्विच्ड ऑफ, योर मदर मस्ट बी वरीड अबाउट यू, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है तो तुम्हारी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा चिंतित होंगी तुम्हारे लिए. तो यहाँ पे हमने मस्ट यूज़ करा है. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द थ्री मोडल्स दैट आई हैव टॉट यू टुडे. दिस इज़ कुड, should and must. So in the next video I will be discussing about the other modals. So thank you for watching my video.